मेरे भाई, तो बाहर निकलने के साथ साथ ऐसा लग रहा है कि किसी ने आग का गोला मार दिया है। बहुत ज़्यादा धूप है बाहर, और अचानक एसी से निकलने के बाद ना कुछ ज़्यादा ही लग रहा है। जल्दी मैंने पैकिंग किया, सब ऐसे करके समेटा और बैग में घुसेड़ लिया अपना। कैंडी बस स्टैंड से नुआरा एरिया के लिए बस लूँगा, और सुबह के बज रहे हैं अभी 10:10, तो मैंने 9:30 उठा फ्रेश और 10 मिनट में मैंने पूरा रेडी हो गया। असल में मेरा पास सामान ना इस बार ज़्यादा नहीं है, मैं जानबूझ के ज़्यादा नहीं लाया, तो इसीलिए शायद इतना स्मूथली सब हो रहा है अभी तक। अभी जाते हैं थोड़ा मतलब कैंडी बस स्टैंड में, और बस पे उठ के फिर आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं कि कितने घंटे का राइड है और कितना पैसा लगता है, और रास्ते का नज़ारा तो आप देख ही लोगे। कैंडी का ट्रैफिक रूल ना बहुत मतलब मेंटेन्ड है, आपको ज़ेब्रा क्रॉसिंग से ही क्रॉस करना पड़ेगा कुछ कुछ जगह, जैसे ये जगह, जैसे कैंडी स्टेशन के सामने से मैं उधर से जा रहा था तो एक बंदा बोला कि उधर से जाओ। मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप कैंडी में रुकते हो और अगर यहाँ से बस लेते हो तो अपने हॉस्टल से बताना ठीक नहीं रहेगा, कोई एक लोकेशन से बताता हूँ तो आपको पता चलेगा कि कैंडी स्टेशन से एक रास्ता ऊपर की ओर जाता है, वो रहा कैंडी स्टेशन। और यहाँ पे बुद्धा स्टैचू है, बुद्धा स्टैचू के लेफ्ट हैंड साइड से जो रास्ता जाता है वहाँ से आपको नुआरा एरिया के लिए बस मिलेगा। ओके, तो बस टर्मिनस यहाँ है, ये रहा, यहाँ से नुआरा एरिया के लिए बस निकलती है। एक चीज़ मैंने देखा, यहाँ पे जो बस स्टैंड है ना, यहाँ पे सरकारी बस डिपो और प्राइवेट बस डिपो एक ही होता है, तो फिर वहीं से फिर अलग अलग रूट की गाड़ियाँ निकलती है। तो गवर्नमेंट बस के लिए इंतजार कर रहा था, गवर्नमेंट बस मिला नहीं, मतलब गवर्नमेंट बस 11:30 आएगी तो 12:30 यहाँ से निकली, तो उसी के लिए एक छोटा प्राइवेट बस होता है, एसी बस है, पूरा कॉम्पैक्ट है, एसी भी है और थोड़ा जल्दी भी जा सकते हो। यहाँ पे लिया जो है वो है आपका 300 रुपीज़, तो 300 LKR मतलब हमारे इंडियन रुपीज़ में अगर देखा जाए तो 110 रुपये, तो 110 रुपये में 78 किलोमीटर्स के आसपास है, तो ठीक है। मेरे ख्याल से 3 घंटे का सफ़र है ना, कल वैसे भी बहुत दिक्कत हुआ था, मतलब बहुत ज़्यादा धूप था और आप जितना भी हटो ऐसे करके मतलब धूप तो लग ही जाता है। अभी अभी हमारे बस ने ना वो थोड़ा डीजल भराने के लिए घुसा था, तो डीजल का प्राइस मैंने देखा तो 121 रुपये लीटर, तो 121 रुपये लीटर मतलब अगर इंडियन करेंसी में इसको कन्वर्ट किया जाए तो वो 44 रुपीज़ का होता है, 44 रुपीज़ का डीजल, मतलब समझ रहे, वैसे ऐसा लग रहा है कि मतलब हम लोग मतलब 1999 में चले गए, मतलब इनके हिसाब से ये महंगा है, 121 रुपये जो देख रहे हो ना इनके हिसाब से ये महंगा है। एलिया तो आ गए हैं भाई, पर रास्ता ना बहुत मतलब वो बहुत ट्विस्टन टर्न था, और सुबह सुबह खाली पेट निकला था, तो उसके बाद मतलब पेट में अभी थोड़ा मतलब गुड़ गुड़ कर रहा है। यहाँ के लोकल टुक टुक से पूछा कि यहाँ से हॉस्टल एक कम से कम 2 किलोमीटर दिखा रहा है, वो पिकमी ऐप है ना, वो पिकमी ऐप से ये टुक टुक बुला रहा हूँ। ये है नुआरा एलिया का बस प्लान, कुछ ऐसा दिखता है, टुक टुक मिल गया है, और अगर आप 3-4 टुकड़ों वालों से भी पूछते हो और अगर आपको नहीं आपके बजट में आता है ना, तो आप 5-6-7 टुकड़ों वाला पूछो, क्योंकि टुकड़ों वाला एक ना एक अच्छा निकलेगा। मेरा टुकड़ों वाला बहुत अच्छा है, मतलब ऐप से नहीं हो रहा था, ऐप आ नहीं रहा था, तो हमने उसे कहा कि आप जाओगे मतलब लंका हॉस्टल, तो वो बोला 200, तो मैं बोला कि 150, एक ही बार में राजी हो गया। तो हार मत मानो, थोड़ा मतलब जब बजट पे चलना हो ना तो ये सब आपको करना पड़ता है। बुक फॉर वन नाइट, भाई साहब हॉस्टल में तो आ गए हैं, नज़ारा कुछ ऐसा है, गो इनसाइड, जाते हैं देखते हैं कैसा है, और एक बार पहला नज़र आप देख लो कैसा है हॉस्टल। इसका लोकेशन देख के मैंने थोड़ा बुक किया था, तो जैसे ही आप ऊपर आते हो ऐसा कुछ नज़ारा बनता है। अभी के लिए इतना ही, अंदर जाते हैं देखते हैं खाने वाने के क्या ऑप्शन है। हॉस्टल तो पहुंच गया, पर मेन एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पे खाना नहीं मिलता यार, खाली ब्रेकफास्ट मिलता है मेरे को, मेरा आज का बुकिंग है मतलब मेरे को कल सुबह ब्रेकफास्ट मिलेगा, तो गलत किया, अगर वहीं से खा के आ जाता ना तो सही रहता, पर वहाँ पे सब मतलब बस से उतरने के बाद ना ऑयली खाने का मन नहीं कर रहा था, तो सर्चिंग फॉर इडली एंड सांभर, यू नो, तो देखते हैं क्या होता है। अभी ओनर है नहीं, ओनर आ रहा है फिर मेरे को बेड मिलेगा, और घूमने घूमने का भी क्या करेंगे पता नहीं। बाकी लोकेशन काफ़ी सही है, और यहाँ का टेम्परेचर भी बहुत अच्छा है, मतलब
बहुत अच्छा है, मतलब ठंडा ठंडा हवा चल रहा है, जो कि मतलब कोलंबो और कैंडी में मिस था। बस में 300 और अभी 150 मंथ्स 450 हो गया ऑलरेडी सुबह से खर्चा। खाया पिया कुछ हूँ नहीं, खाने का कितना लगेगा पता नहीं। फिर अगर घूमने निकलते हैं तो थोड़ा दूर दूर होता है तो टुक टुक में जाना सही रहता है। टुक टुक वाला बोल रहा है कि 600-700 रुपये, बजट में रहना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। ठीक है, जो भी भाई सब थोड़ा भी टाइम को वेस्ट ना करते हुए हमने डिसाइड किया कि अपना बैग रखा, उनको पासपोर्ट दिया, सब कुछ करने के बाद हम अभी जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट है, तो आज मैं वो देखना चाहता हूँ, क्योंकि इतने दिन से ना मैं कुछ एक्सप्लोर नहीं कर रहा हूँ, बस खाली ट्रैवल ही कर रहा हूँ, यहाँ से वहाँ वहाँ से, अरे कुछ देखूँ भी, कुछ यादें भी ले जाऊँ मैं। तो ठीक है, अभी चलते हैं, अभी खाएंगे भाई, यादें बाद में रहेंगी जब पेट में खाना रहेगा। तो अभी जाते हैं कुछ लोकल वोकल यहीं से कुछ खा लेंगे, फिर दोबारा सिटी कौन जाएगा। और इन्होंने बताया कि यहाँ पे ग्रिगोरी लेक बोल के कुछ है, और एक ट्री मैन्युफैक्चरिंग का जगह है, वहाँ जाने का है, और नानुआ रेलवे स्टेशन, जो यहाँ से मतलब नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है जहाँ के लिए आपको ट्रेन मिलेगा एला के लिए, वो ट्रेन स्टेशन भी एक अपने आप में बहुत खूबसूरत जगह है, वहाँ भी घूमने का है, तो वो तो मैं देख ही लूँगा क्योंकि वहाँ से मैं ट्रेन पकड़ने वाला हूँ एला के लिए। और बाकी 3-4 जगह है जो कि एक है गॉल्फ क्लब, जो कि मैं आते वक्त ही देख लिया, वो भी खूबसूरत था, और 4-5 जगह है जो कि मुझे देख के अच्छा लगा, मुझे देखने का मन किया। और यहाँ और निकलने का मन इसलिए कर रहा ना कि यहाँ का वेदर जो है वो बहुत ठंडा है, और आप अगर पैदल चल के भी जाओगे 1 किलोमीटर तो कोई बात नहीं है। तो भैया खाने का क्वांटिटी यहाँ काफ़ी होता है, और पूरा खाया नहीं जाता है, तो कुछ इस तरह दिखता है, और चिकन राइस है, हाँ ग्रेवी, हाँ यू हैव गिव नस। तो भैया उसका बिस्मिल्लाह करते हैं और फिर आगे जाके मिलते हैं। तो लेक 1 किलोमीटर से ज़्यादा दिखा रहा था, पर रास्ता अच्छा था और मज़ा भी आ रहा था चलने में, तो मैंने पैदल चलना शुरू कर दिया। पर अब कुछ देर आगे आने के बाद ना वो मनाली के बाद वाला सीन मेरे को याद आ रहा है, मतलब पूरा वैसा ही है, जैसे मनाली क्रॉस करोगे शिशु, फिर आपका जिस्पा, दारचा, वैसा वाला फील आ रहा है थोड़ा सा यहाँ। भाई साहब 1 किलोमीटर दिखा रहा था, 1 किलोमीटर से पहले ही जो है मतलब लेक का नज़ारा दिखने लगा है, यहाँ से लेक शुरू होता है, लेक के यहाँ से आपका वाटर एरोप्लेन भी उड़ता है, तो यहाँ पे स्पीड बोट, जेट स्कीइंग वगैरह हो रहा है, और यहाँ पे आप बोटिंग वोटिंग भी कर सकते हो। और लेक के एक कोने से दूसरे कोने तक मैं पहुँच गया, खाली एक चीज़ देखने के लिए कि यहाँ पे ना मैप में दिखा रहा है, ये देख पा रहे हो आप, यहाँ पे नुवारा एलिया सी प्लेन बेस ये दिखा रहा है, और लेक देखो कितना बड़ा है, इतना बड़ा है लेक। तो मैं खाली ये सी प्लेन का बेस देखने के लिए ना मतलब आखिरी छोर तक आ गया, पर यहाँ पे कुछ सी प्लेन का बेस वेस कुछ नहीं है भाई, कुछ ऐसा नज़ारा है बंजर सा, मतलब बंजर तो नहीं है, अच्छा है, पर मतलब पूरा वेल मेंटेन्ड है, सुंदर लग रहा है, घास वास का अच्छा काम किया हुआ है। पर उस कोने में बस खाली छोटे छोटे बोट्स ही नज़र आ रहे हैं, ये जो कॉर्नर है ये कॉर्नर में बता रहा है सी प्लेन का बेस है, पर वैसा कुछ है नहीं, मुझे दिखा नहीं। जब यहाँ केले तो हर दुकान में होते हैं, और केला इतना है ना बहुत, हर एक किस्म के केले मिल जाएंगे आपको, पर मैं ढूंढ रहा हूँ ना वो ब्राउन ब्राउन केला जो मैं चेन्नई में देखा था, वो ब्राउन केला मुझे टेस्ट करने का था एक बार। तो यहाँ पे बैठे बैठे मैं अपना थोड़ा काम वगैरह कर रहा था, और वो सनडाउन हो गया, तो जैसे ही सनडाउन हुआ ना वो मतलब ठंडा वाला एहसास जो है वो शुरू हो गया, और रात में भी यहाँ पे काफ़ी ठंडा लगने वाला है, वो अभी से फील हो रहा है। और यहाँ का नज़ारा काफ़ी अच्छा है, मतलब ये जो मतलब ग्रीन ग्रासेस है ना नीचे यहाँ पे लगा के रखा हुआ है, और यहाँ पे बाहर थोड़ा मतलब टेबल चेयर लगा हुआ है, और थोड़ा मतलब फॉरेनर वाला वाइब भी है यहाँ पे, तो इसीलिए काफ़ी मज़ा आ रहा है, और जगह भी बहुत अच्छा है यहाँ पे, यहाँ से छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा है। पर क्या है ना, पर लोग बोल रहे हैं कि नुवारा एलिया से भी खूबसूरत है एला,
तो मतलब ये जब आप कम दिन लेके आते हो ना, तो ये आपके लिए एक बहुत चिंता का विषय हो जाता है कि मतलब कहाँ पे रहो आप, यहाँ रहो कि एला में रहो।